बेटा बना कातिल अपने ही सगे बाप का। सब तू पहले शक में ग्रोसर ले दिया। तू सर नसी है ये गाल पुलिस को? पुलिस को मैं कहना रहती हूँ, मैं क्या पे पुलिस पता लग गई। उन्होंने मुझे पहले भी कहा था ऐसा ना करो, शादी वगैरह ना करो, मेहरबानी करो। नसरुल्ला ने रोका था। क्या लगता है वजह नात क्या थी? अपने बाप को क्यों कत्ल किया उसने? मुल्ज़िम ने मस्जिद में बैठकर किराए के कातिलों से बकायदा डील की। शॉकिंग बात जो इसमें नजर आती है केस में, जो मुद्दई था वही कातिल निकला। जब किसी साइड में भी डायरेक्शन नहीं चल रही थी तो साइड ये किया कि कंप्लेनेंट को एक दफा चक्का लिया जाए। मुद्दई ने एक सिम अपने नाम पे इशू करवाई है और वो जो सिम है वो वकूए वाली जगह पे भी आती है, वकूए वाले दिन ही आती है। 1.5 लाख तुमने लिया जी, 1.5 लाख उसने लिया, 3 लाख में ये सौदा हुआ था जी। तो नसरुल्ला ने यही कहा, मुद्दई मैं बनूंगा, मैं बाद में बयान दे दूंगा। बेटे ने अपने बाप को कत्ल करवाने के लिए पैसे दिए, कत्ल करवाया अपने सगे बाप का। बेटा बना कातिल अपने ही सगे बाप का। जला राई लोधरा के अब्दुल मालिक ने किन लोगों के साथ मिलकर की प्लानिंग अपने ही बाप के कत्ल की? क्या इस कत्ल के पीछे मामला सिर्फ बाप की दूसरी शादी था या असल हकायक थे कुछ और? ये सब कुछ दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। 3.5 लाख रुपए दे के काम कराया। आपकी शादी कब हुई थी? कितना अरसा हो गया शादी को? आप 6 महीने थी घर। 6 महीने पहले शादी थी ये? जी। आपको पहले से जानता था अब्दुल मालिक? जी हाँ। कितना अरसा पहले से जानता था? 20 साल पहले। 20 साल से जानता था? जी हाँ। कैसे जानता था आपको, किस तरह से था सिलसिला? आपकी कोई रिश्तेदारी है अब्दुल मालिक के साथ? सर बरादरी है। बरादरी है जी, जी हाँ। ते अब्दुल मालिक दे अपने जड़ी औलाद है, अपने बाल हैं, वो खफा हन, नाराज हन, गुस्सा हन उन्दे कोलो? शादी क्यों करेंदा पे? जी जी नाराज। उन वेले भी उन्होंने कोई रिएक्ट किया ही? मतलब उन वेले भी गुस्से का इजहार किया है उन्होंने? उन वेले विच का नान उन्होंने कल्ले की थी। कल्ले की थी? पता केड़े वेले लगे शादी दा? उतरारी मेरा बहुत पता लग गया। रसूलल्लाह नाल काम करेंदा है अब्दुल मालिक दे? जी जी नाल करदा है। उठाई दुकान दे ही के दुकान दे जी। उनको पता लगा है ते उन्हें वल क्या खाई अपने पियो को? आख्या को कुछ कना नहीं, चोरी को दवाई से मारे मन पे गया ने उंदे वास्ते बुरा सोचन पे वास्ते दवाई के शायद जहर दे मन पे गया चाह जी। चाह दे वेच जहर दिता है पहले भी? जी जी पहले दिता है। वल बोलो खांदे पींदे कोई चीज कना करू? अच्छा दुकान दे चाह बने ना ओई कना पता चल गया है उगो अब्दुल मालिक को? ई गाल दा पता चल गया है कि अपनी औलाद दुश्मन बन गई है? ਤਾਗੁਰ ਅਸਾਈ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਗੁਰ ਅਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਥੇ ਹੀ? ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲੋਧਰਾ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਰਹੇ काफ़ी चीज़ें जो थी ऐसी थी कि जिनकी समझ नहीं आ रही थी पुलिस को भी। इन्होंने पहले भी उसे रिपोर्ट किया और बात की जो सूरत हाल बनी उसको भी रिपोर्ट करते रहे। इस हवाले से जानूंगा सर, थोड़ा सा बताएं कि भुट्टा साहब इस हवाले से कि पहले भी आपने इसको रिपोर्ट किया, आप देखा था इस केस को, क्या चीज़ें नज़र आ रही थी? बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था, कैसे ट्रेस किया गया? जी अली साहब जैसे आप बता रहे हैं, शुरू शुरू में एक आम सा ये वाक़या था जिसमें ये शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ये कोई डकैती का वाक़या है, क्योंकि जनरल स्टोर था और एक छोटी सी बस्ती का जनरल स्टोर था जहाँ पर मूमन रात के वक्त इस किस्म की वारदातें छोटी मोटी होती हैं। लेकिन उसमें फायरिंग से बंदा कत्ल हो गया। पुलिस जब पहुँची तो वहाँ से देखा गया कि कोई चीज़ वहाँ से छीनी नहीं गई, मिसाल के तौर पर नकदी नहीं लूटी गई, मोबाइल फ़ोन नहीं लिए गए, डकैती वाला कुछ भी नहीं था, वहाँ पर स्नैचिंग का, चोरी चकारी वाला जी यकीन नहीं आ रहा था, कोई शुबा नहीं था, नहीं था। दूसरी जानब जो वर्सा थे अब्दुल मालिक के, उनसे पुलिस ने जब पूछा या हमने उनसे ये जानने की कोशिश की कि किसी किस्म की मुखालफत या कुछ ऐसा, तो उन्होंने इस चीज़ से भी इनकार किया कि उनकी किसी से मुखालफत नहीं है। बज़ाहिर वो जो ताजर था मकामी,
वो शरीफ आदमी था, बड़ी अच्छी रिप्यूट थी, अच्छी रिप्यूट थी उसकी, उसकी किसी किस्म की मुखालफत, पुरानी दुश्मनी, कोई ऐसा कोई कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। बाद में पुलिस ने जब थोड़े से एंगल बदला कि ये डकैती भी नहीं है और मुखालफत भी नहीं है, तो वजह क्या है, तो वजह एक ये भी सामने आई कि मकतूल अब्दुल मालिक ने एक दूसरी शादी की हुई थी। नाज़रीन, DPO लोधरा जनाब जमील ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इस केस के हवाले से। 27 अक्टूबर की शाम को ये वाक़या पेश आता है, एक शख्स को, वो अपनी दुकान में बैठा होता है, उसे गोलियां मारी जाती हैं और उसकी मौके पर मौत वाक़या हो जाती है। उस हवाले से ये काफ़ी टाइम जो है मामा बना रहा, ये केस, ये कत्ल का केस, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा, जमील साहब थोड़ा सा इस हवाले से बताएँगे मुझे कि आप मौके पर भी पहुंचे, आपकी टीमें भी वहां पर रहीं, देखती रहीं सारी सूरत हाल को, क्या शवाहिद इकट्ठे किए, क्या इन्वेस्टिगेशन में आया, क्या सिलसिला था ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 27 अक्टूबर को जैसे आपने बताया शाम को 6:30-6:30 बजे जब एग्जैक्टली उन दिनों मगरब का टाइम था और मगरब के लिए लोग मस्जिद में थे तो गलियाँ खाली थी, ऐसे में एक दुकान थी जो मोहल्ले की दुकान थी वहाँ पर, और वहाँ पे 360 WB में मोहल्ले के अंदर साइड पे चौक से हट के ये दुकान थी, उस दुकान के अंदर शेख अब्दुल मालिक बैठा हुआ था और कोई कस्टमर उसके पास आता है, वो सामान लेने के लिए दुकान के पीछे बने हुए स्टोर में जाता है और वो जो कस्टमर है वो वहाँ उसको घुस के गोलियाँ मार देता है। मौका मिलते ही सबसे पहले तो SHO पहुँचा, जब SHO ने वहाँ पर देखा कि कत्ल हो गया है तो फिर SHO ने DSP को बताया, फिर सब्सिक्वेंटली DSP SP इन्वेस्टिगेशन और मैंने ख़ुद वहाँ पे मौका विज़िट किया। वो जो मौके के अंदर वो जो सिचुएशन बन रही थी या जो वहाँ के कंप्लेनेंट थे लोग, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो बंदा है इसकी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, अब्दुल मालिक इसकी कोई ऐसी दुश्मनी कोई नहीं है, जो कोई नॉन दुश्मनी होती है वो ऐसा कोई मामला नहीं है। जब इसकी फैमिली से पूछा कि इसको कोई ऐसी थ्रेट है, कोई आपको कोई दुश्मन है, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारी दुश्मनी कोई नहीं है, तो हो सकता है कि किसी ने पैसे के लिए इसको कत्ल किया हो, यानी डकैती के हवाले से वहाँ से नुकसान कोई चीज़ नहीं हुई थी, जो उसकी कुछ स्नैचिंग वगैरह नहीं थी, कोई इस स्कफल तरह का ना स्कफल हुई थी वहाँ पे, उसका जो कैश था दिल्ली का कैश वो भी उसके काउंटर पे मौजूद था, और कोई वहाँ पे मौके पे कोई लड़ाई झगड़े की कोई एविडेंस नहीं थी, एक कोल्ड ब्लड मर्डर लग रहा था, लेकिन ये लग रहा था कि पहले इसको पीछे स्टोर में कोई सामान लाने के लिए भेजा गया, जब वो सामान लाने के लिए गया तो वो जो कातिल था उसने पीछा किया और वहाँ से कत्ल कर दिया। लेकिन एनीवे एक अटेम्प्ट टू डकैती हो सकती थी, उसके अलावा वो हमें मदईयों ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, वहाँ पर मौके पर कोई एविडेंस नहीं मिले थे कि वो शख्स कौन था, ये एक अंधा कत्ल कोई था। कोई एविडेंस ऐसा मौजूद नहीं था उस पूरे इलाके में, सिर्फ एक CCTV कैमरा मौजूद था, उस CCTV कैमरे की जब फुटेज हासिल की गई तो उसमें एक मोटरसाइकिल नजर आया था, लेकिन वो कैमरे का एंगल ऐसा था कि वो मोड़ पे था, जब मोटरसाइकिल मुड़ा तो जैसे मैंने बताया शाम का टाइम था तो उसकी लाइट ऑन थी, उसकी लाइट सीधी कैमरे में लगी और वो कैमरा ब्लाइंड हो गया। आप एक मोटरसाइकिल ना उसकी नंबर प्लेट नज़र आई, ना मोटरसाइकिल नज़र आया, सिर्फ एक लाइट आपको गुजारती हुई नज़र आई है, ना हमें कोई फुटेज मिली वहाँ से, ना कोई ऐसी एविडेंस मिली। फिंगर पॉइंट्स हमने वहाँ से लिफ्ट किए, लेकिन वो बहुत से फिंगर पॉइंट्स थे जिनको मैच करना शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं था, टोटली ब्लाइंड था, और जो काज ऑफ डेथ थी वो भी हमें उस वक्त समझ नहीं आ रही थी कि डकैती की वजह से इसको कत्ल किया गया या किसी दुश्मनी की वजह से कत्ल किया गया, ना मौके पे किसी ने क्लियर किया। उसके बाद हमारे पास इसके मुख्तलिफ एंगल्स बने, एक एंगल तो वही था कि क्या ये कोई डकैती का वकूआ है और मजामत पे कत्ल हुआ, जिसके चांसेस कम थे, कि एक दुकान जो बिल्कुल मेन मार्केट से हट के है और जिसकी सेल भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे डकैती करने का क्या तुक बनता है जबकि बड़ी दुकानें भी मौजूद हैं, और फिर वहाँ मौके पे स्कफल भी कोई नहीं, कैश भी कोई नहीं गया, मोबाइल भी नहीं गया, कोई चीज़ नहीं। खैर हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इंटरोगेट करना स्टार्ट किया, फिर जब पुलिस ने अपनी तफ्तीश स्टार्ट की तो हमें पता चला कि नहीं इसके कुछ और एंगल थे। 3.5 लाख रुपये दे गए थे काम कराया है।
नाजरीन ये है वो जल्लाराई का गांव और उसकी वो लोकेशन जहां पर कत्ल किया गया अब्दुल मालिक, जिसकी उम्र तकरीबन 50-55 साल थी। उस वक्त भी वो यहीं पर मौजूद था। तकरीबन वो वक्त था मगरिब का, 6-6:30 बजे का वक्त था जिस वक्त वो शख्स यहां पर आया। इरफान अपने एक और साथी के साथ यहां पर आया और अंदर घुसकर फायरिंग की उसके ऊपर। मैं इस हवाले से पूछूंगा भी सही, जिनकी ये दुकान है, अंदर दुकान की सूरत हाल भी आपको दिखाता हूँ। आपकी है ये एरिया सारा आपका है? ये जो बेटा है उसका नसरुल्ला, ये उसकी जान का दुश्मन क्यों बना? हमें तो आज तक उसने नहीं बताया, ये कोई बात नहीं बताई। ये उसके बेटे आते थे यहाँ पर? हाँ, बेटे उसका साथ ही था, उसका बेटा भी नसरुल्ला जो है उसके साथ ही दुकान करता था। दुकान साथ करता था, यानी इनका काम भी इकट्ठे था? इकट्ठे काम था। सही। मौके की क्या सूरत हाल बनी थी, आपने देखी वो सारी सूरत हाल? असल में सर वजह नाथ ये थी कि उसने दूसरी शादी की या निकाह किया, उसने पहली बीवी के इजाजत के बगैर ही। इस वजह से जो उसका बेटा था वो रंज था उनको कि इसने दूसरी शादी क्यों करवाई है, इसलिए उसने 3.5 लाख रुपए में निकाह किया अपने वालिद का। अरफान है, कौम डहा फतेहपुर पुल वाली साइड का है, उसके साथ निकाह किया उसने। खिजर कांजू ने निकाह करवाया है, करवा के उसने अपने वालिद को 3.5 लाख के हाउस जो है ना मरवा दिया। इधर बैठा हुआ था अपनी सीट पे वो, उधर इसने आकर गोली दवाई मांगी है। अच्छा, उस दवाई लेने के लिए पीछे गया है। दवाई इरफान ने मांगी? इरफान ने मांगी दवाई, वो पीछे गया, दवाई उठा के उसने उसको दी, उसने फायर मार दी। उसने कहा जी मेरे सर में जो है ना पेन हो रहा है, मुझे सर दर्द की ना गोलियां दें। उसको पीछे ले गया, वो गोलियां उठाने गया, जैसे ही उसने गोलियां उठाई हैं उसने साथ ही उसको फायर किया, जो इधर लगा है उसके मौके पर डेथ हो गई। मौके पर उसकी डेथ हो गई। जाए वकुआ की सूरत हाल दिखा रहे थे, जाए वकुआ पर मौजूद थे, अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद है। नसरुल्ला को क्या मसला है अपने पियो ना? मसला ही होई भी मतलब उन्हें को कोई चीज दे जा अपनी बीवी को, कुछ चीज नाम करवा दे, जगह नाम आई 10 मरले। अच्छा, जायदाद भाई भी है 10 मरले है, घर होता या कोई बैशे है? कोई चीज है, प्लाट यहां दे, जल्ला ही प्लाट है। अच्छा, जल्ला मोड़ी प्लाट पे होता, गड्डी है उंदी, उंदी पहली बीवी जड़ी है दा उन नाल तलाकात करना बुलेंदी करना 20 साल तू 20 साल तू कहना बुलेंदी जी हां। क्या वजह है? ओ ए मसला दा मेरे को पता है नहीं। अच्छा जी हां, सब तो पहले शक मैं सुरले दे गया। सब तो पहले शक ही तो पहले जी तो ਸਾਡੇ ਸੀ ਇਹ ਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਕਨਾਡਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਆਪੇ ਪਕੜ ਗਈ ਚਲੇ ਕੋ ਸਹੀ ਲੇਕਿਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੱਗਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇਹ ਗਾਲ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਅਸਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਕੋ ਆਪੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਸੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਮੁਦਈਆ ਅਬ ਨਸੀਮ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਸੀ क्या लगता है वजह नात क्या थी, अपने बाप को क्यों कत्ल किया उसने? देखिए ये तालीम की कमी कह सकते हैं आप इसे, जहालत है। अब जैसे मुलजिम पुलिस की हिरासत में है वो बता रहा है कि उसने अपने बाप को सिर्फ इसलिए कत्ल किया है कि उसकी जो दूसरी शादी थी इस वजह से उनको रंज था। ये उसका शरई हक है, वो दूसरी शादी कर सकता है और वो इस दूसरी शादी को खाता पीता था, ताजिर था, वो अफोर्ड भी कर सकता था। अब बेटे ने जो है बाप को सिर्फ इस वजह से कत्ल किया साथियों से कि उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी क्यों की, जदाद थी अच्छी खासी कि जदाद का हिस्सा वो खतून ले, यानी कि असल वजह ये नहीं है कि उसने दूसरी शादी क्यों की, उसे ये फिक्र पड़ गई कि जायदाद का हिस्सेदार कोई और भी आ गया, और भी आ गया इस तरह से उसने। अच्छा, इसमें जो एक और काबिल जिक्र बात है वो ये है कि ये मुलजिम ने मस्जिद में बैठकर किराए के कातलों से बकायदा डील की कि ना सिर्फ
आप लोग कत्ल करोगे, मैं एक मंसूबे के तहत इस कत्ल का मुदई बनूंगा, और उसके बाद पुलिस को मुख्तलिफ एंगल से भटका के ये सारा मामला जो है क्लोज हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये मामला एक घनौनी साजिश और कत्ल कभी छुपता नहीं है, इसलिए जो है एक पुलिस को मैं समझता हूँ एक मौजाती तौर पे क्लू मिला कि जो सिम मकतूल के वाक़े पे जो फायरिंग के वाक़े पे जो हुई सिम इस्तेमाल की गई, वही सिम जो नसरुल्ला है मुदई जो बना था मकतूल का बेटा था उसी के नाम पे थी, और चंद रोज पहले ही उसने उस सिम को इरफान को दी थी, इरफान दहा जो मुल्ज़िम है। नसरुल्ला वो मान रहा है इस बात को कि उसने पैसे दिए थे और इन्होंने पैसे वसूल किए थे, तो कहाँ पर वसूल किए थे? पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम जो नसरुल्ला है बेटा, इसने इनको एक इलाके की मस्जिद में बुलाया, वहाँ बैठकर डील हुई, 3.5 लाख रुपए उसने मौका पे अदा किए। मैं पूछना ये भी चाहूँगा कि नसरुल्ला की जो वालदा है उसकी तरफ से तो प्रोवोक नहीं किया गया इस कत्ल की प्लानिंग में, कहीं ये चीज़ सामने तो नहीं आती कि वो उसकी पहली बीवी थी, उसने अपने बेटे को कहा हो, इस तरह का कुछ आया सामने? जी अभी नसरुल्ला जुडिशल हो चुका है, इससे पहले जितने रोज भी वो पुलिस कस्टडी में रहा है तमाम एंगल को देखा गया है कि कहीं पे नसरुल्ला का दीगर भाई या मकतूल का भाई या कोई और रिश्तेदार इस पूरी प्लानिंग में शामिल हों। उनके घर वालों को रंज ज़रूर था दूसरी शादी का, लेकिन कहीं पे दीगर जो उसके भाई हैं या पहली बीवी है वो कहीं पे पैसे जमा करने में या अपने बेटे को पैसे देने में या मुलजमान का किसी किस्म का उनसे मोबाइल पे रब्ता या घर तक आना जाना कोई इस तरह का पुलिस के यानी कि इस पूरी साजिश में सिर्फ उसी नसरुल्ला जो बेटा है बड़ा बेटा है अब्दुल मालिक का उसी का किरदार नज़र आता है, उसके अलावा बाकी जो फैमिली है वो ला ताल्लुक थी। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना जल्ला राई में और यहाँ पर वो मुलज़िम मौजूद है, उन 3 मुलज़िमान में से ये प्लानिंग रचाई कि वो अपने बाप को कैसे कत्ल करेगा, उसने सहारा लिया, ये आदि मुलज़िमान हैं, इश्तिहारी भी हैं, पहले बहुत सारे इनके ऊपर पर्चे भी हुए हैं, इस हवाले से भी मैं जानूँगा, और उनमें से एक मुलज़िम यहाँ पर मौजूद है, बाकी पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, इन तक पहुँची, इन तक एक्सेस की, क्योंकि इसमें मुद्दई जो था इस केस का वही कातिल निकला जो उसका बेटा था सगा। इस वक्त मैं थाना जल्ला राई में ही मौजूद हूँ, इससे बात करते हैं कि ये क्या कहता है, इसका उस तमाम प्लानिंग में क्या रोल था, क्या नाम है दोबारा? मेरा नाम खिजर हयात है। खिजर हयात है जी सर। क्या थी ये प्लानिंग? प्लानिंग सारी ये थी कि नसरुल्ला वल्द अब्दुल मालिक वो 2-3 मरतबा मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि ये काम करना है, मेरे वाले साहब को मारना है। अच्छा, मैंने तुम्हारे पास आया था? जी मेरे पास चल कर आया था। क्या करते हो तुम? काश्तकारी करता हूँ। काश्तकारी करते हो, साथ में ये काम भी करते हो तुम? नहीं सर, लोगों को मारने का? नहीं सर, ये लूटने का? नहीं सर, ये काम। तो वो चल के तुम्हारे पास क्यों आया, क्या लगता था तुम्हारा? वो मेरा कुछ भी नहीं लगता था। तो तुम्हें कैसे जानता था कि ये काम करते हो तुम? दोस्ती के नाते वो आया था मेरे पास। तुम्हारे पास आया था? जी सर। क्या कहता था वो? वो कहता था कि ये मैंने अपने अब्बू को मरवाना है, ये मेरा काम करो। मैंने उसे कहा कि मुझे 15 बोरियां DAP चाहिए, तो उसने मुझे खाद दी 15 बोरियां। नसरुल्ला आया तुम्हारे पास? नसरुल्ला तुम्हारे पास आया, कितने पैसे दूंगा, कितने भी डील हुई थी ये? उसने मुझे 1,40,000 रुपया दिया। अच्छा, ठीक है ना। डील कितने में हुई थी पूरी? डील मेरे साथ उसकी नहीं हुई थी अभी। अच्छा, ठीक है ना। मैंने उससे खाद मांगी, उसने मुझे खाद दी। कितने की खाद थी? तकरीबन 50,000 की। 50,000 की खाद दी और पैसे भी दिए थे? पैसे भी उसने दिए थे। उसके बाद 2 महीने वो मेरे पास आता रहा, मैं उसे नाम नाम करता रहा कि ये मैं काम नहीं करूँगा। कब की बात है ये? गर्मियों की बात है ये? जी गर्मियों की बात है। अच्छा, तो 2 महीने वो मेरे पास आता रहा, मैं उसे ना करता रहा, तो फिर उसने कहा पैसे मुझे वापस कर दो। अच्छा, मैंने उसे कहा ठीक है मैं आपको पैसे दे दूंगा, मुझे कुछ मोहलत दे दी। उसने मेरे साथ फोन पे बात करता था,
तकरीबन दो महीने उसने मेरे साथ फोन पे बात करता रहा। क्या बात करता रहा, क्या कहता था तुम्हें? पैसे वापस कर दो। अच्छा ठीक है ना, उसके बाद वापस कर दो या मेरे बाप को कत्ल कर दो। नहीं नहीं, फिर ये टॉपिक इस मौजू की बात नहीं हुई। उसके बाद जब वो दो महीने मेरे पास मेरे घर आता रहा, मैं उससे इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा भाई, आपको मैं आप पैसे वापस लुटा दूंगा। तो तुमने पहले पैसे लिए क्यों थे अगर तुमने ये काम नहीं करना था? या तुम यहाँ पर इतने शरीफ बन रहे हो, अब तुम हवालात में हो तो जाहिर सी बात है तुम यही बात करोगे ना, तुम अब इतने शरीफ बन गए हो। क्या तुम्हारा फैसला क्या हुआ था और वो तुम मस्जिद में बैठ कर तुमने ये डिसीजन किया था, ये फैसला किया था? नहीं सर, मैंने इसके कोई मस्जिद में नहीं बैठा था उसके साथ, वो इरफान और नसुल्ला ये बैठे रहे। अच्छा तुम नहीं बैठे थे? नहीं मैं, ओके मैं नहीं बैठा उसके साथ। ठीक है, उन्होंने आपस में डील की जो थी उनकी डील। क्या डील हुई थी उनकी? इरफान ने कहा कि मैं काम करूंगा, मुझे पैसे दो। ठीक है ना, मैंने पैसे वो तुम्हें दे चुका था। नहीं वो पैसे मैंने, वो कहते थे कि नसरुल्ले ने कहा कि मैं वापस कर दूंगा नसरुल्ले को पैसे। अच्छा ठीक है ना सर। अच्छा। वो मनौत हो गई एक इरफान के साथ, मैंने कहा मैं पैसे वापस लुटा दूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद उन दोनों की आपस में डीलिंग हुई, मेरा इसमें वल्ला बिल्ला कोई मुझे कोई इल्म नहीं। तुम्हारा रचाया हुआ पूरी प्लानिंग, जैसे वो तुम्हारे पास आया उसके बाद कैसे मारना है क्या करना है, वो सारा कुछ तुमने उसे प्लान बना कर दिया अपने दूसरे साथी को इरफान को, और अब तुम ये कह रही हो कि तुम्हारा कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं था? नहीं सर, इरफान ने लिए थे, वो मुझे ले गया था जरूर। ठीक है ना, मुझे इसका कोई इल्म नहीं था। कौन मारने गया था और तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं घर में था सर। तुम घर में थे? जी मैं घर में था। कुछ मुझे मुझे कोई पता नहीं था। तो वो इरफान काम जब करके आया ना अपने घर, तो उसने मुझे मैंने उसे फोन किया। अच्छा, कि कहाँ काम हो गया? नहीं नहीं सर, ये नहीं, बंदे को मार दिया? नहीं ये बात नहीं हुई। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि क्या किया, फोन काट गया। फिर उसने मुझे कॉल की कि मैंने पूछा कि आज भाई क्या करते रहे हो, उसने कहा मैंने मकान बनवाए थे। अच्छा। मैं आज सारा दिन मिस्त्री के साथ। क्या लगता है इरफान? मेरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता। तुम फोन कर रहे थे उसे पूछने के लिए? दोस्ती थी। क्या कर रहा है आज, तूने कत्ल तो कर लिया होगा। दोस्ती थी। इंसानी जान तुम्हारे लिए इतनी मामूली चीज है? दोस्ती थी, दोस्ती की वजह से वो आता था। पहले कितने केसेस हैं तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर कोई? पहले क्या करते हो? काश्तकारी। दो माह लगे इस सारी तफ्तीश को मुकम्मल होते हुए, बड़ा टाइम लगाया। एग्जैक्टली वो इसीलिए कि बिल्कुल ब्लाइंड थे हम इस पर, हम उस पर बेसिकली मोहताज थे कंप्लेनेंट के, कि वो हमें कोई डायरेक्शन दिखाएगा तो हम उस मुदाई, इसमें जो उसका बेटा था नसरुल्ला, वो हमें कोई डायरेक्शन दिखाए, कोई फैमिली हमें बताए तो हम फिर उस हिसाब से उसकी तफ्तीश करें। लेकिन वो भी हमें कोई डायरेक्शन नहीं बताए थे। फिर उन्होंने एक शक का इजहार किया कि हमारा वालिद एक खातून के साथ शादी करना चाहता था, नसीम बीबी के साथ, तो उसका एक सबका मंगेतर भी है, तो नसीम बीबी का, नसीम बीबी का हो सकता है उस कोल्ड ब्लड में आके उसके सबका मंगेतर ने हमारे वालिद को कत्ल किया हो, तो उसको भी हमने शामिल तफ्तीश किया। फिर मोहल्ले के अंदर कुछ लोग थे जिनके ऊपर उन्होंने शक का इजहार किया, उनको भी हमने शामिल तफ्तीश किया, बट इट वॉज टोटल ब्लाइंड। किसी न डकैती की तरफ कोई डायरेक्शन जा रही थी, जो उसकी सेकंड वाइफ थी उसको जब हमने चेक किया तो उसकी तरफ भी कोई बात नहीं चल रही थी। तो उसके अलावा हमने उसका अदरवाइज कंडक्ट देखा तो वो एक माकूल आदमी लगा, वो ऐसा आदमी नहीं था कि जिसका कोई मोहल्ले में कोई दुश्मनी हो या कोई ऐसी बात हो, किसी किस्म का कोई झगड़ा हमें नजर ऑलरेडी उसके रिकॉर्ड में, ट्रैक रिकॉर्ड में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो कि क्लू दे सके और पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी पॉजिटिव कार्रवाई नज़र आती है पुलिस डिपार्टमेंट की, आपकी टीम की, जिस तरह से भी उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया, जो भी चीज़ें जो भी सोर्सेज यूज़ किए उसके बाद वो पहुँचे। और शॉकिंग बात जो इसमें नज़र आती है केस में, जो मुद्दई था वही कातिल निकला, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें उसके लिए फिर ये है कि जब किसी साइड पर भी डायरेक्शन नहीं चल रही थी तो फिर हमने डिसाइड ये किया कि कंप्लेनेंट को एक दफ़ा चेक करा लिया जाए। जब कंप्लेनेंट को हमने चेक करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज मोबाइल फोरेंसिक, तो हमें ये पता चला कि इस वकूए से को हफ्ता कबल
जो मुदई है, मुदई ने एक सिम अपने नाम पे इशू करवाई है और वो सिम एक्टिव हुई है, उसका बायोमेट्रिक हुआ है और उसके बाद वो सिम जो है वो एक्टिव हुई है। अब वो सिम किसके पास है? वो सिम जो है वो बंद हो जाती है इस वकूए के अगले दिन सुबह, और वो जो सिम है वो वकूए वाली जगह पे भी आती है, वकूए वाले दिन ही आती है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि वो सिम किसकी है, किसके पास है और वो मौके पे क्या लेने गया था। पहले ये चीज़ शायद एक दफ़ा सामने भी आई, लेकिन हमने कहा कि इसके बेटे का नंबर है तो मैं भी बेटा आया हूँ मौके पे बाप की डेड बॉडी के पास। उसके बेटे से ये सवाल किया गया कि ये सिम आपकी है, तो वो मुकर गया कि ये सिम मेरी नहीं है। यहाँ से हमारे क्लूज मिलना शुरू हुए, तकवीयत मिली कि कोई बात है जो ये छुपा रहा है, जो इसने झूठ बोला। फिर वो सिम जिसके इस्तेमाल में थी, अरफान डहा नाम का लड़का, उसको हमने अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट कर लिया हमने, तो उससे हमने पूछा कि भाई ये सिम तुम्हारे पास कहाँ से आई है और तुम वहाँ मौके पे क्या लेने गए थे। तो वो उसको लगा कि शायद पुलिस चूँकि मुझ तक पहुँच आई है और ये सब कुछ जान चुके हैं, तो फिर वो बोलने लग गया। उसने कहा कि ये सिम मुझे नसरुल्लाह ने ले के दी थी। तो हमने पूछा भाई उसने क्यों ले के दी थी आपको? तो उसने कहा जी उसने मुझे अपने बाप को कत्ल करने के लिए पैसे भी दिए थे और ये सिम भी ले के दी थी। उन्होंने मुझे पहले भी कहा था ऐसा ना करो, शादी वगैरह ना करो। किसने रोका था पहले? नसरुल्लाह ने रोका था। नसरुल्लाह ने आपको रोका था? उसे कैसे पता चला था कि आप करना चाह रहे हैं शादी? उनको पता चल गया था कि ये लोग शादी कर रहे हैं अपनी हमशीरा की, हमारे अबू के साथ। अच्छा। वो मुझे रोकते रहे थे, उन्होंने दुकान पे भी मुझे रोका था कि ना आया करो, ऐसे है वैसे, हमारे घरेलू हालात अच्छे नहीं है, मेरा चाचू बहुत खतरनाक बंदा है। मुझे भी धमकियां दी थी, ये कहा था कि कुछ भी कर सकता है वो अपने भाई के साथ या तुम्हारे साथ भी कर सकता है। अच्छा जी, आपको धमकियां पहले भी दी, उसके बावजूद आपने शादी कर दी? जी, हमने अपनी हमशीरा की शादी कर दी उसके साथ। उसके बाद भी आपकी हमशीरा आपके घर पे ही रहती थी, यहीं पर रहती थी? जी जी, हम यहाँ हमारे पास अभी रह रही थी। अच्छा। इन्होंने वो जगह वो प्लाट जो था उस पर जगह बनवानी थी, इसी यकम को इन्होंने उधर शिफ्ट हो जाना था। ये वजह बनी है कि अगर वो प्लाट्स हैं, ये प्लाट्स हैं, कहीं इनको ना दे दे, इसी वजह से उनको रास्ते से हटा दिया गया। इसमें हमारे सुनने में भी आया, और हम उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनके चाचू हैं अब्दुर्रऊफ, ये तमाम प्लान का मास्टरमाइंड वो आदमी है। अच्छा, यानी कि सिर्फ नसरुल्लाह अकेला नहीं, उसके पीछे और भी लोग थे, और बाकी घर वाले, उसकी जो अपनी माँ है वो भी शामिल है इसमें, आपको क्या लगता है? नहीं, हम माँ के बारे तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका उसके बाकी भाइयों के बारे भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ ना अटैच रहता था अपने चाचू के साथ। जो नसरुल्लाह है, उसके बाकी भाई हैं, इस वक्त आपको प्रेशराइज कर रहे हैं सुलह के लिए? जी, अभी देखें, अभी तो नहीं कर रहे, अभी तो उनकी कोशिश है कि मुदई हम बन जाएँ और फौरन जो है ना सुलहनामा हो जाए और वो जुराम पेशा जितने लोग हैं वो जल्दी बाहर आ जाएं, हमारा भतीजा भी बाहर आ जाए, अभी तो ये कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वो जो दूसरे लोग हैं, कांजू वगैरह या वो डहा वगैरह, वो ज़रा ख़तरनाक लोग हैं, वो किसी हमें धमकियां भी देंगे, सब कुछ करेंगे। हमारी तो हुकाम बाला से अपील है कि हमें तहफ़ फराम किया जाए और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। ₹3.5 लाख रुपए मस्जिद में बैठ कर आपस में डिसीजन, मस्जिद में बैठा मस्जिद में ये शख्स भी बैठा, और अब ये यहाँ कह रहा है कि मैं नहीं बैठा था। इरफान डा और ये मस्जिद में बैठकर 3.5 लाख में इन्होंने सौदा किया, और पेमेंट जो है ये खिजा ने ली, और उसके साथ ही जाकर ये बराबर का शरीक है, उससे पहले इसने दुकान भी दिखाई, फिर उसके साथ जाकर ये वकूआ किया। ये साथ था उस वक्त गया था, ये बाइक के ऊपर साथ था? हाँ जी, बाइक पे भी इसके ये उसके साथ ही था। तो इसने भी खुद भी इतराब जुर्म पे किया, इरफान ने भी किया, और वो नसरुल्लाह भी इस बात को तस्लीम कर गया कि मैंने इनको 3.5 लाख रुपए दिए थे। उसने ये उसके साथ डिसीजन किया था कि मस्जिद में बैठ करके मैं खुद ही मुदई बनूंगा और आप लोगों को माफ़ कर दूँगा। ये बताओ, क्या प्लानिंग की थी तुमने जब बैठे थे कि मैं मुदई बन जाऊंगा? उसने कहा नसरुल्लाह ने कि मैं मुदई बन जाऊंगा और तुम बच जाओगे, ये प्लानिंग हुई थी तुम्हारी? नहीं सर, क्या प्लानिंग? वो उनकी डीलिंग हुई थी। तुम्हारी क्या प्लानिंग हुई थी?
मेरी इसमें कोई प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग में नहीं थे तुम, किसी चीज में नहीं थे? मैंने सर, तो तुम्हें क्यों लेकर आए पुलिस? मैंने सर खाद ली थी, पैसे लिए थे। तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है, ना नसरुल्ला से ताल्लुक है, ना इरफान से ताल्लुक है। एक मर्तबा हमारे घर में मिला था डेरे पे। अच्छा, किसको? इरफान तो हर रोज आता जाता था ना उधर। किधर आता जाता था? हमारे डेरे पे आता। तुम्हारे डेरे पे आता था जी। क्या करने आता था? बस अभी तुम कह रहे हो, अभी खुद अपने बयान में तजाद इसका देखें। अभी मैंने एक मिनट पहले इसे पूछा था, बात हो रही थी, तो ये कह रहा था मैं उसे जानता नहीं हूँ, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये कह रहा है वो मेरे डेरे पे रोज़ आता था। जो इरफान जिसने फायर किए और ये उसके साथ बैठा हुआ था, ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ चुकी हैं और इस वक्त ये बयान मुसलसल बदल रहा है, कहानी को ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये शख्स उससे पैसे वसूल करने में आगे आगे था। कितने पैसे वसूल किए थे तुमने? 1.5 लाख। 1.5 लाख वसूल किया, उसके बाद जब तुमने कत्ल की वारदात कर दी, उसके बाद क्या किया था तुमने? वो इरफान ने लिए थे। जो इरफान ने कितने पैसे लिए थे? अगर तुमने नहीं लिए थे तो इरफान ने तकरीबन 1.5 लाख रुपया लिया था उनसे। अच्छा, 1.5 लाख तुमने लिया, 1.5 लाख उसने लिया, 3 लाख में ये सौदा हुआ था। बताओ क्या हुआ? उनकी आपस में डीलिंग हुई थी, तो नसरुल्ला ने यही कहा था कि मुदई मैं बनूंगा, मैं बाद में बयान दे दूंगा। मैं क्या बयान दूंगा? राजीनामे के बयान दे दूंगा बस। कि हमारी सुलह हो गई है जी। तो ये बात फिर कैसे आ गई सामने कि तुम लोग हो प्लानिंग में शामिल, ये कैसे पता चला? सर मैंने पैसे लिए और खाद ली थी, उसके बाद वो नसरुल्ला और इमरान इरफान इनकी डीलिंग हुई, जो काम किया इरफान ने किया। मारा तुमने था या उसने मारा था इरफान ने? उसने मारा था। कैसे मारा था? पिस्टल से मारा था। कितने फायर किए थे? एक फायर। पिस्टल कहाँ से आया था? ये मुझे तो नहीं मालूम। तुम्हारा दोस्त है ना, रोज तुम्हारे डेरे पे आता है, अभी तुम ही कह रहे हो। ये मुझे नहीं मालूम कि उसने किस से लिया, ठीक है ना, कैसे मारा उसने। जब जा रहा था वो वारदात करने, तुम्हें क्या कह के गया था? तुम्हारी आखिरी बात उससे इरफान से क्या हुई थी? मेरी इस टॉपिक की कोई बात नहीं हुई थी। उसने कहा कि पिस्टल, उसने ये कहा कि मैं आज सारा दिन मकान बनवाता रहा, मिस्त्री के साथ था, यही बात हुई थी उसके साथ। मकान बनवा रहा था जी। ये फोन भी तुमने किया था? फोन तुमने एक मरतबा मैंने किया। अच्छा। दो कॉलें उसने की, मेरा मोबाइल बंद हो गया। बताएंगे थोड़ा इस हवाले से, पहले का क्या रिकॉर्ड है इस शख्स का? ये पूरे खानदान पे काफी मुकदमात हैं, ये रिकॉर्डेड हैं, पहले भी ये इस किस्म की वारदातें कर चुके हैं। इसके दो पहले इन्होंने मर्डर करवाए हुए हैं। सही। तो रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और यही इनका पेशा यही है। सही। कि सही। ये लोगों को मर्डर करवाते हैं पैसे लेकर। तो अब इसने ये वकूए में साथ भी था, उसके बाद भी ये इकट्ठे गए हैं, इन्होंने जाकर वकूए के बाद भी पैसे लिए जो इनके बकाया पैसे थे। ये उस वक्त साथ था, उस वक्त जब ये गए हैं, इरफान गया है बाइक पे कत्ल करने के लिए, मोटरसाइकिल पे गया था, इसी का मोटरसाइकिल इस्तेमाल हुआ, इसके पास गन भी थी और ये दोनों साथ ही गए हैं। पूरी डीलिंग जो है ना इसी ने पहले की रकम लेन देन की, फिर इरफान को इसने अपने डेरे पे खुद मिलवाया। हम सुनते थे इस तरह की वारदातें, किराए के कातिल क्या होते हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं और वो कत्ल करते हैं, और यहाँ पर हमने ये सारी सूरत हाल देखी, किस तरह से एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल करवाने के लिए पैसे दिए और कत्ल करवाया अपने सगे बाप का। सगा बाप उसे वो कत्ल करवाना चाहता था, वजह नात क्या थी कि सगे बाप को बेटा कत्ल करवाने के लिए किसी दूसरे शख्स को पैसे देता है? जी, उसने वजह नात तो उसकी दूसरी शादी थी जो वो नसीम बीबी के साथ का आया था, वो उसकी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं थी, ना उसकी वालदा को एक्सेप्टेबल थी, ना उसके लिए एक्सेप्टेबल थी, बल्कि वो जब उसको हमने अरेस्ट किया तो उसने कहा कि लोग मुझे ताने देते थे कि तुम्हारा तो बाप शादी का है, तुम्हारी क्या ज़िंदगी है, और मेरी वालदा उस वजह से परेशान थी और उसकी टेंशन में देख नहीं सका, तो मैंने ये एक्ट किया। फिर उसने ये इरफान को और खिजर कांजू को उसने बुलाया, ये मस्जिद में मिलके बैठे, ये मस्जिद में बैठे हैं कत्ल की साजिश के लिए, कत्ल की प्लानिंग के लिए मस्जिद में बैठे हैं जी। ये सारी प्लानिंग उन्होंने मस्जिद में बैठ के की,
मस्जिद में ही 3.5 लाख रुपया दिया गया खजाए को, और उसके बाद ये हलफ भी दिया गया। मस्जिद में बैठने का मेन मकसद हलफ देना था कि तुम मेरे बाप को कत्ल करो, मैं तुम्हें सजा नहीं होने दूंगा, क्योंकि केस का मुद्दई तो मैं बनूंगा और अगर तुम पकड़े भी गए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें तो सजा होने का चांस कोई नहीं है, तुम ये पैसे लो और मेरे बाप को कत्ल कर दो। मैं मस्जिद में खुदा को गवाह बना के तुम्हें ये प्लेज कर देता हूँ कि कल मैं चूँकि इस कत्ल का मुद्दई हूँ, अगर तुम पकड़े भी गए तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो ये सारी प्लानिंग उन्होंने मस्जिद में बैठ के 3.5 लाख रुपये भी दिया, बाकायदा हलफ लिए गए मस्जिद में, एक पाक जगह का सहारा लिया गया, वहाँ पर ये सारी प्लानिंग रचाई गई। उसके बाद इन्होंने जो प्लानिंग की थी ये तमाम चीज़ें उसी के मुताबिक हो रही थी, एग्जैक्टली उसके मुताबिक हुई, लेकिन खुदा को कुछ और मंजूर था, उसके घर को इस काम के लिए इस्तेमाल किया गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे जहन में ये बात डाली गई और ये एक क्लू था, एक हैंड था बहुत छोटा सा, एक सिर्फ एक सिम थी और जो उसके बेटे के नाम पे इशू हुई थी कंप्लेनेंट के नाम पे, और उससे बात चली और चलते चलते हमने पूरे कत्ल को अनाउंस किया। दैट वाज अ चैलेंजिंग केस फॉर ऑल योर डिपार्टमेंट, खासतौर पर लोधियाना की बात की जाए तो माशाल्लाह उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया, सॉर्ट आउट किया। एट द एंड क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे केसेस किए हैं, बहुत सारी स्टोरीज हम कर चुके हैं, लेकिन ये स्टोरी ऐसी है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक बेटा, और वो बेटा भी कोई सुतेला बेटा नहीं है, सगा बेटा प्लानिंग रचाता है, प्लानिंग रचाकर वो अपने बाप को कत्ल करता है। कत्ल की जो प्लानिंग रचाई जाती है उसमें भी सहारा लिया जाता है, मस्जिद में बैठकर प्लान रचाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं और पैसे के बाद उसी प्लानिंग के मुताबिक वो कत्ल किया जाता है। वजह नात यही बताई डीपीओ साहब ने कि वो शादी कर चुका था या करने वाला था, इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। शादी कर चुका था, 6 माह कबल का हो चुका था सही, तो एट द एंड वजह नात सिर्फ ये सिंगल रीज़न है कि उसने शादी क्यों की, तो उसमें उसकी माँ का रोल भी नज़र आता है कोई, तो सामने कोई रोल उसका नज़र नहीं आया, ना नसरुल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ हैंड की है, ना वो कहीं प्लानिंग में शामिल थी, ना कहीं पैसों की अरेंजमेंट में शामिल थी, सामने सामने उसका कोई रोल हमें नज़र नहीं आया उसका। क्या कहना चाहेंगे एट द एंड? मैं तो यही कहूँगा कि ये इंसानी रवैयों की बात है, मेरे ख्याल में जो मकतूल था अब्दुल मालिक, दूसरी शादी शायद उसकी गलती नहीं थी, उसकी जो गलती थी वो अपने बच्चों की तरबियत थी, अगर उसने बच्चों की ठीक तरबियत की होती, अच्छाई की और बुराई की तमीज़ दी होती, तो उसका बच्चा ही उसकी जान कभी ना लेता। मैं आपके चैनल के तवसत से, आपके तवसत से, मैं तमाम पेरेंट्स को ये कहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत पे बहुत तवज्जो दें और कोशिश करें कि वो अच्छे इंसान बने, बजाय इसके कि वो कोई कामयाब इंसान। 3.5 लाख रुपये दे गए थे